नमस्कार, मैं हूं ज्योतिष डॉक्टर रवि गुप्ता और संपूर्ण मकर राशि वाले अप्रैल माह के राशिफल के साथ स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे जिसका नाम है ब्रह्म ज्योतिष ज्ञान। चलिए मकर राशि वाले, अप्रैल माह के राशिफल की ओर बढ़ता हूं और बताता हूं कि इस महीने ईश्वर ने आपकी किस्मत में इस महीने कितना अच्छा और कितना संघर्षमय जीवन दे रखा है। इससे पहले बढ़ता हूं गोचर की ओर। गोचर की ओर चलना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि गोचर ही फैसला करता है किस महीने आपकी स्थिति आखिर होने वाली क्या है। 7 अप्रैल से 14 अप्रैल के मध्य में सूर्य और बुध साथ में रहेंगे तो बुध आदित्य की उत्पत्ति होगी और बुध आदित्य की उत्पत्ति होना मतलब आपके भाग्य से रिलेटेड कुछ बेनिफिट होने की संभावनाएं होनी। 14 अप्रैल को सूर्य उच्च के हो जाएंगे। सूर्य उच्च का होना यह दर्शाता है कि संपत्ति हाउस में जाकर के कुछ संपत्ति से रिलेटेड आपके लिए शुभ और लाभकारी होने वाला है। और 7 अप्रैल से 27 अप्रैल के मध्य में बुध का नीच का होना थोड़ा सा भाग्य में संघर्ष कराने की संभावनाएं उत्पन्न करेगा और साथ में जो है बृहस्पति का, शनि का और मंगल का लग्न में विराजमान होना क्या वाकई में क्रोध को बढ़ाएगा। चलिए संपूर्ण रोचक जानकारी के साथ बढ़ता हूं अप्रैल महीने के राशिफल की ओर। मकर राशि वाले, लग्न के स्वामी शनि खुद लग्न में बैठे हुए हैं, 10th हाउस से अपने कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं और धन के स्थान में बैठे हुए हैं। ऐसे तो आपका स्वभाव थोड़ा आलस्यपूर्ण होता है, थोड़े संघर्ष करते हैं लेकिन जीवन में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन इस महीने जो है आप संघर्ष भी करेंगे, स्ट्रगल भी करेंगे और अपने जीवन में उस ओर ही जाएंगे जिस ओर आपको फायदे नजर आएंगे। इस महीने उन लोगों के लिए भी जो है आप विशेष प्रभावशाली हैं जो लोग आपके पैसे रखे हुए हैं दे नहीं रहे थे, इस महीने प्रेशर डाल करके आप उन लोगों से पैसे भी लेंगे। कुछ नए दोस्तों के साथ या मित्रों के साथ या पार्टनरशिपिंग के साथ कुछ नए व्यापार का प्रारंभ करेंगे जिससे इस महीने आपको धन की निश्चित तौर पर प्राप्ति होने वाली है। कर्म क्षेत्र में शुक्र जो है अपनी राशि पंचम हाउस में बैठे हुए हैं, यह महीना लॉटरी सट्टा से रिलेटेड उन लोगों के लिए काफी अच्छा है जो फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड या ब्यूटिशियन से रिलेटेड या इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए विशेष लाभकारी रहेगा। लेकिन मंगल और शनि का विराजमान होना लग्न में यह दिखाता है कि जो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा और 14 अप्रैल के बाद जो सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड है आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। 7 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल के मध्य में जो सरकारी नौकरी में विराजमान थे जिनके पदोन्नति में थोड़ी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, पदोन्नति का योग परफेक्ट बनेगा और 7 अप्रैल से 14 अप्रैल के मध्य में जो है आप जो है कुछ बड़े फैसले लेंगे। परंतु 27 अप्रैल के मध्य में जो है बुध जो है नीच के हो जाएंगे और बुध का नीच का होना थोड़ा सा भाग्य से रिलेटेड आपको काफी संघर्ष करना पड़ेगा। इस समय आपके भाग्य पूर्णता साथ नहीं देंगे और थोड़ा सा शत्रु आपके इस समय हावी होने का प्रयास करेंगे, हालांकि उसके अपने पराक्रम से, क्योंकि लग्न में आपका स्वामी कुछ उच्च राशि का विराजमान है, अपनी राशि का विराजमान है, तो आप उसे निश्चित तौर पर हरा देंगे। लेकिन 7 अप्रैल से 27 अप्रैल के मध्य में शत्रु आपको थोड़ा मानसिक तौर पर डैमेज करने का प्रयास निश्चित तौर पर करेंगे। 14 अप्रैल तक तो भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से तालमेल की स्थितियां ठीक रहेंगी, लेकिन 14 अप्रैल के बाद जो भाई बहनों से तालमेल में थोड़ी सी समस्याएं निश्चित तौर पर जो है आपको उत्पन्न होने की स्थिति बन जाएगी। उन लोगों के लिए अवश्य बात मैं करना चाहूंगा जो सेल्स रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, जो अपने इंडिविजुअल किसी न तो किसी क्षेत्र के व्यापार में है, तो जो व्यक्ति पशुपालन के क्षेत्र में है, खाद बीज के क्षेत्र में है या फिर खेती बाड़ी के क्षेत्र में या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं, आपके लिए इस महीने बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। अतः इस महीने थोड़ी सी परेशानियों का आपको निश्चित तौर पे सामना करना पड़ेगा। अतः बाकी जिन लोगों व्यापार के क्षेत्र में आप लोगों के लिए विशेष लाभकारी इस महीने रहने की संभावना है। जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम में है, जो पेट्रोलियम पदार्थ से, कोयला से रिलेटेड काम में है, आपके लिए तो काफी लाभकारी रहने वाला है। चलिए बात करता हूं कि क्या इस महीने वाकई में कुछ लोग विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं तो वह होगा। इस महीने विदेश यात्राएं आपके सफल होंगे। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं आपके लिए विशेष लाभकारी रहने वाला है। साथ में उसके लिए भी विशेष लाभकारी रहने वाला है जो विदेशों से जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ में जो है आना जाना करते हैं, यानी इस महीने विदेश आने जाने का कार्यक्रम 7 अप्रैल के बाद जो है आपके प्रारंभ हो जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आप तुरंत चले जाएंगे, लेकिन रास्ते प्रारंभ हो जाएंगे। कर्म क्षेत्र में आपको निश्चित तौर पर जो है सफलताएं मिलने लगेंगी। मित्रों से इस महीने किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। मित्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी, मित्रों से संबंध अच्छे रहेंगे, पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे। जो प्रेम के संबंध में है, लव टू मैरिज का योग बहुत बढ़िया है। जो विवाह करना चाहते हैं, शनि और बृहस्पति की दृष्टि विवाह में थोड़ी सी बाधाएं निश्चित तौर पर उत्पन्न करेगा, परंतु विवाह आपके होंगे और विवाह से रिलेटेड काफी अच्छी
संभावनाएं बनेंगे। नौकरी के क्षेत्र में इस महीने अगर थोड़ा प्रयास कर देंगे तो नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूं कि जो शिक्षा की प्राप्ति कर रहे हैं, शिक्षा से रिलेटेड इस महीने किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है मकर राशि वाले। संतान आपके नाम रोशन करेंगे। कुछ दिनों से संतान के कारण थोड़ी चिंता आपको सता रही थी, लेकिन संतान आपका जो है निश्चित तौर पर आपके खिलाफ नहीं जाएंगे, आपके सपोर्ट में रहेंगे। बात उन लोगों के लिए अवश्य करनी चाहिए जो काफी दिनों से चाह रहे थे कि पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड किसी प्रकार का निपटारा हो जाए। तो इस महीने अगर पार्टनरशिपिंग की बात मैं करता हूं तो इस महीने पार्टनरशिपिंग से निपटारा आपको हो जाएगा। पार्टनर से किसी प्रकार की थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वह दूर हो जाएगा, परंतु क्योंकि बृहस्पति और शनि का और मंगल का सातवें हाउस पर दृष्टि, यह दिखाता है कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी असमानताएं रहेंगी। यानी आपके पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा या जीवन साथी का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। हालांकि तीसरे स्थान से शनि का यह दिखाता है कि थोड़े से पारिवारिक विवाद अवश्य तौर पर कराएगा, लेकिन उच्च का मंगल यह दिखाता है कि घर के जो बड़े हैं आपको उनसे धन की प्राप्ति होगी। कुछ प्रॉपर्टी विवाद या प्रॉपर्टी से रिलेटेड परेशानियां जो चल रही थी, इस महीने प्रॉपर्टी विवाद भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। आपके हिस्से का जो प्रॉपर्टी है आपको निश्चित तौर पर प्राप्त हो जाएगा। नया प्रॉपर्टी आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको 100% प्राप्त हो जाएगा। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करता हूं तो स्वास्थ्य इस महीने जो है बुध नीच का हो रहा है, जो बायां पैरों में कष्ट देगा, आपके पेट को थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, क्योंकि गले के स्थान पे बुध का विराजमान होना गले से रिलेटेड परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। और पांचवी दृष्टि से स्वयं जो है केतु सूर्यदेव को देखेंगे, जो कहीं ना तो कहीं शत्रुता या केस मुकदमा से रिलेटेड आपको थोड़ी सी परेशानियां दे सकता है। हालांकि इस महीना केस मुकदमा से रिलेटेड जो भी परेशानियां आएंगी सभी सॉल्व हो जाएंगे, सभी में भी विजय प्राप्त कर जाएंगे। शत्रु जो है आपके घुटने टेकेंगे मकर राशि वाले, यह आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी इस महीने दिख रहा है। अतः क्योंकि कहीं ना तो कहीं यह दिखता है कि स्वास्थ्य की थोड़ी समस्याएं हैं और बुध नीच का हो रहा है, तो बुधवार को उपवास आप कर ले तो बेहतर रहेगा। बुधवार के दिन नॉनवेज का सेवन आप बंद कर दें। साथ में यह भी दिखना कि बृहस्पति नीच का हो रहा है और नीच का बृहस्पति जो है आपके पराक्रम में इस महीने थोड़ा सा कमी करेगा और कर्ज का योग थोड़ा सा बनाएगा। अतः इसके लिए आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है गुरुवार के दिन जो है विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ करें या केला पेड़ में जल दें, या यह भी नहीं अगर आप कर पाते हैं तो कुछ समय के लिए जो है आप गुरुवार के दिन जो है मौन धारण करके स्थिरता मन में बनाए रखें। आप देखेंगे कि यह महीना आपके लिए बेहतर जाएगा। मकर राशि वाले, संपूर्ण राशिफल मैंने आपको बताया अप्रैल का। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं कृपया करके चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज्ञानवर्धक जानकारी और जीवन के समस्याओं की समाधान की जानकारी सिर्फ यहीं मिलता है। मैं लूंगा आपसे इजाजत, आऊंगा दोबारा आपके पास और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक बने रहे मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है ब्रह्म ज्योतिष ज्ञान, और मैं हूं ज्योतिष डॉक्टर रवि गुप्ता। नमस्कार।